फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और सुजलॉन के बारे में। दोनों ही स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, दोनों ही स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बात स्टार्ट करते हैं IRFC से। आज के दिन 5.5% का अपसाइड, और ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ड्रॉप आया हो या वहाँ से रिकवरी हो, पूरे दिन आज अच्छा सेशन जो है वो यहाँ पर रहा है। IRFC के लिहाज से काफ़ी टाइम से यहाँ पर बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा था। जो लेवल्स हम लोगों ने इस चैनल पर डिस्कस करे हैं वो करे थे 152 के। बात करी गई थी कि 152 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा क्रूशल है अगर हम IRFC के लिहाज से देखते हैं। तो इससे नीचे गया तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट के संकेत थे, लेकिन ये इतना बड़ा सपोर्ट लेवल बन रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। और आज अगर आप देखते हो, जैसे इससे नीचे गया तो बाउंस बैक आया, फिर से इससे ऊपर जो है वो शेयर आ चुका। इवन आज 141 तक का लो था, 141 का, लेकिन रिकवरी हो गई, ये अच्छी बात है। और आज की क्लोजिंग जो हुई है वो आपको देखने को मिली है 152 से ऊपर। एक रिपोर्ट जान लेते हैं पहले, उसके बाद एनालिसिस पर देखेंगे। IRFC अप्रूव्स 700 करोड़ फाइनेंसिंग फॉर BOBR रिक्स अपॉइंट्स न्यू CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर। यानी कि IRFC ने 700 करोड़ की जो फाइनेंसिंग है वो अप्रूव कर दी है। ये जो है वो 20 BOBR रैक्स के लिए अप्रूवल मिला है। 700 करोड़ की डील हुई है, NTPC के साथ ये डील हुई है। अजय चौधरी अब यहाँ पर न्यू CRO की तरह काम करने वाले हैं, जो इनकी 8 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो पहली अपडेट जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट कर सकती है IRFC के लिए, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब अंशुल जैन जो कि एनालिस्ट हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो IRFC के बारे में शेयर करी हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट रिपोर्ट है, 8 अक्टूबर की रिपोर्ट है। बियरिश फ्लैग ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग वाला सिनेरियो जो वो बन रहा है। अगर जो क्रूशियल लेवल इन्होंने सजेस्ट करा, हम लोगों ने बात करी थी 150-152 की, इन्होंने सजेस्ट करा है 150 का। इन्होंने बोला है अगर यहाँ से 150 से नीचे गया तो शेयर में बड़े चांसेस है कि वो नीचे और चला जाए। तो ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपको भी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो इस लेवल के आसपास ही बनानी चाहिए। इन्होंने तो लेकिन एक चीज़ जो है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन्होंने बोला है कि डाउन साइड में शेयर जो है वो इवन 92 तक जा सकता है, 92 रुपये तक। बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पर, 92 के चांसेस तो मुझे नहीं लगते। आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब ये कौन सी एनालिसिस है या जो भी इन्होंने चीज़ों को कंसीडर किया है, मुझे नहीं लगता कि IRFC का शेयर जो 200 से करेक्ट होकर 150 पे आ चुका है और फर्दर करेक्ट होकर 92 पर जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। आप कॉमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की बात करी है, तो फ्लैग पैटर्न जो है वो यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से एक कंसोलिडेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन मैंने जो आपको लेवल बताए 150 वाले, 152 वाले, वो आप बहुत ज़्यादा याद रखिए, सो डैट आप अपनी स्ट्रेटजी उस अकॉर्डिंग बना पाओ। अब यहाँ पर बात करें, अंशुल जैन की एनालिसिस कहती है, ये लक्ष्मी श्री के एनालिस्ट है, कि टेक्निकल इंडिकेटर्स तो साइन कर रहे हैं फर्दर डिटोरिएशन के बारे में, यानी कि फर्दर गिरावट के बारे में। एक बियरिश आउटलुक इनके अकॉर्डिंग बन रहा है और शेयर यहाँ से फर्दर गिरावट दिखा सकता है। वैल्यूएशन मैट्रिसेस जो है वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, PB रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और रिटर्न ऑन एक्विटी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है, तो वो मैं आपको अगर डायरेक्टली बताऊं तो देखो, शॉर्ट टर्म में करेक्शन, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कुछ ऐसा यहाँ पर सेंटिमेंट अभी बन रहा है। ओवरऑल IRFC जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स में, यानी कि कैपेक्स जो किया था इंफ्रा में, उसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। साथ के साथ एक टाइप से मोनोपोली क्रिएट करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत होगी इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन डेफिनेटली आना था, क्योंकि एकदम से जो शेयर है 50 रुपये, फिर 70, 70 से सीधा 200 पार, तो करेक्शन तो आना ही था। और मेरे ख्याल से अब ये जो लेवल है 92 के, मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। बात कर लेते हैं अब जल्दी से सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन में भी आज काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली काफ़ी सेशंस के बाद। कॉन्टिन्यूसली गिरावट हो रही थी, इवन लोअर सर्किट लग रहे थे, आज यहाँ पे 4% का अपसाइड देखने को मिला। देखो, एक मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
Suzlon share price band has now been revised upward to 10% from 5%, which means that the stock can only move 10% in either direction. This comes as the stock was moved out of ASM framework last month. यानी कि अगर देखो यहाँ पर सर्किट वाली लिमिट जो है 5% की होती तो हो सकता आज 5% का सर्किट इसमें लग जाता, लेकिन अब इसकी सर्किट लिमिट जो है वो रिवाइज हो गई है, अब वो हो गई है 10%। 10% की गिरावट हो सकती है, 10% का अपसाइड हो सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है कि फाइनली यहाँ पर अब ये जो शेयर है वो ASM से बाहर आ चुका है, अब जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको 10% की देखने को मिल रही है। मोस्टली इंडिविजुअल्स जो लिमिट होती है स्टॉक्स की वो 20% की होती है ईदर डायरेक्शन में, लेकिन जब इसको ASM में रखा गया था उसके बाद जब इसको आउट ऑफ ASM किया गया तो अभी इसकी भी लिमिट जो है वो 10% की है, तो इस वजह से आज सर्किट देखने को नहीं मिला, अदरवाइज आपको यहाँ पर सर्किट देखने को मिल सकता था। कॉन्टिन्यूसली यहाँ भी गिरावट हो रही थी आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले इसमें गजब की तेजी बनी थी, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला इंडिया का सबसे बड़ा, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, फिर अगर आप देखते हो तो और भी कुछ ऐसे इन्होंने डिसीजंस लिए जिसका फ़ायदा कंपनी को डायरेक्टली पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, और उसके बाद अब करेक्शन के बाद अब फिर से थोड़ा बहुत अपसाइड जो है स्टॉक में फाइनली देखने को मिल गया है। बाकी कंपनी का ओवरऑल फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छा नज़र आता है, जिसमें अगर आप देखते हो तो स्ट्रेंथ जो है वो 13 पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं, वीकनेस 4 हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अभी 10 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा अगर उठाया तो यहाँ पर फ़ायदा होते हुए नज़र आएगा, और थ्रेट्स 5 निकल कर आ रहे हैं। तो ये है ओवरऑल कहानी सुजलॉन की। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। पहला स्टॉक्स है मोक्ष ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड, 191 रुपये का, 191 का शेयर है, 4% की सर्किट देखने को मिल रही है, तो आज इसमें सर्किट ही लगा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कल के दिन आपको यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, बोनस मिलेगा आपको 3:1 में। अब जो भी लोग कल के दिन इसमें खरीदारी करेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि उनको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोगों के पास कल तक शेयर्स होंगे उनको यहाँ पर 3:1 का बोनस का फ़ायदा मिलेगा। अगला स्टॉक जो कि एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दिखा सकता है वो है वेदांता लिमिटेड। साल में 4 बारी डिविडेंड मिलता है, 3 बारी यहाँ पर आपको देखने को शायद मिल चुका है, हिस्ट्री देख लेते हैं एक बारी, तो हाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, और अब की बारी अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी कि यहाँ पर जो है वो डिविडेंड दिया जाएगा। देखो 11/4/20, तो इस बारी एक्सपेक्टेशन है 15-20 के बीच में, तो ये आप देख कर चल सकते हो। बाकी वेदांता डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, ये आप सभी को पता ही है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।